हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडिया के सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली से बनारस के बीच चल रही है। इस वीडियो में वंदे मातरम एक्सप्रेस की टाइम टेबल, हाई स्पीड, किराया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम बात करने वाले इंडिया के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो दिल्ली से कटरा तक जाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन चलती है, जो दिल्ली से कटरा जाने के लिए दिल्ली सुबह 6 बजे खुलती है और कटरा को 2 बजे पहुंचा देती है। फिर कटरा से दिल्ली आने के लिए शाम को 3 बजे कटरा से खुलती है और दिल्ली को 11 बजे रात को पहुँचा देती है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट दिल्ली से अम्बाला कैंप, लुधियाना, जम्मू तवी से होते हुए कटरा तक है। वंदे भारत एक्सप्रेस की हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जिसमें से अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर तक चलती है। दिल्ली से लुधियाना के बीच ये ट्रेन 120 किलोमीटर से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। लुधियाना से कटरा के बीच ये ट्रेन 75-80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है। इस तरह से इसकी औसत स्पीड दिल्ली से कटरा के बीच 82 किलोमीटर प्रति घंटा की लगभग में होती है। इसमें 16 कोच है, जिसमें बैठने के लिए 1128 सीटें हैं। इसमें बैठने के लिए सामान्य 14 डब्बे हैं, जिसमें 936 सीटें हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 डब्बे हैं और 104 सीटें हैं। चेयर क्लास का किराया लगभग 1600 रुपये है, एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया लगभग 3000 के आसपास है। तो आज के लिए इतने ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।